डिंपल, इन्होंने लिखा है कि दो महीने से इनके पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे थे लेकिन उससे पूरी तरह आराम नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उस अल्ट्रासाउंड में तीन पत्थरियां बताई गई। फिर इन्होंने बिशप अमरदीप जी से प्रार्थना करवाई और जिस दिन प्रार्थना करवाई इन्होंने उसी दिन दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया और उस अल्ट्रासाउंड में एक भी पत्थरी नहीं आई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाला। और पिछले दिनों में जैसे मेरे 2-2.5 महीने से पेट में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी पाँव में दर्द, कभी अपम में दर्द, कभी पेट में दर्द, तो बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे परेशान, और इसी 3-4 डॉक्टर मैंने बदले, कभी उस डॉक्टर से दवाई ले, प्रेयर भी करते साथ में, कभी उस डॉक्टर से दवाई ले और पंजाब से भी मैंने दवाई ली, तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं लगा। तो मैं एक दिन चर्च में जैसे आई थी प्रेयर के लिए, तो दीदी को मैंने बताया, तो दीदी बोले कि आप प्रभु के दास जी से प्रार्थना कराइए। तो मैंने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पथरी आई थी, तो 2-3 पथरियाँ बताई उसने डॉक्टर ने। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया नहीं था, जैसे कि कहते पथरी है तो मम्मी को नहीं बताना। तो फिर मेरे को छोटे बच्चों ने बता दिया, मेरे दोता लगता है उसने बता दिया कि नानी जी आपके पथरी है पेट में, 2-3 पथरियाँ। तो मुझे ऐसे कुछ अजीब सा होने लगा, मैंने दीदी को बताया आके, तो दीदी कहती कोई बात नहीं, परमेश्वर इतने बड़े बड़े कार्य करता है, आपको आराम देगा प्रभु, आप प्रार्थना करवाइए। तो मैंने जिस दिन, फिर डॉक्टर ने मुझे एक दिन बोला कि आप टेस्ट कराओ, दोबारा से टेस्ट कराओ, आपने पंजाब से टेस्ट कराया, इधर से टेस्ट कराओ दोबारा। तो मैंने इधर से टेस्ट करवाया जैसे ही गंगानगर में, तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना, बिशप जी से करवाई। सुबह को जैसे मैंने जाना था बेटी के साथ, तो मैंने प्रेयर करवाई, तो उसके बाद में कोई भी पथरी नहीं आई। जैसे मैंने यहाँ से गंगानगर से करवाई तो कोई पथरी नहीं आई। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सो जो प्रार्थना के पहले का है उसमें कई प्रॉब्लम है और भी कुछ है, लेकिन जो प्रार्थना के बाद वाला है वो नॉर्मल है। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और मेरी गवाही है कि जैसे मेरे पाँव में, टांगों में दर्द था, मैंने प्रेयर करवा रही थी तो मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा था, आगे मेरे पाँव में बहुत दर्द था। जिस दिन प्राचित का दिन था, जैसे विश्व जी इधर से आ रहे थे तो मैंने यहाँ देखने की कोशिश करी, जैसे मैंने कहा इधर को हमारी तरफ आ रहे हैं, लोगों पे जल छिड़क रहे थे, तो जैसे जल अभी दूर से आ ही रहे तो मैंने देखने की कोशिश की, ऐसे ही मैं शेकित होके गिरी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसके जल के द्वारा मैंने छुटकारा पाया और मुझे खुद समझ नहीं आई कि प्रभु इतना महान है, सचमुच वो कार्य करता। धन्यवाद। हालेलुया।